कोरोना का संकट एक बार फिर सर पर मंडराने लगा है। कोविड 19 के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफा से सब लोग सकते में हैं, खासकर स्वास्थ्य महकमा। अलग अलग राज्यों से भी डराने वाली खबरें आ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतना और अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन लेना बेहद ही ज़रूरी है। इसी बात को लेकर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी और DPM दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि वो उनका जैसे ही नंबर आता है 45 वर्ष से जो लोग ऊपर के उम्र के हैं वे तमाम लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लें। बता दें आपको कि पलामू ज़िले में 101 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें 85 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और 16 शहरी क्षेत्र में है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 1,13,000 लोगों ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है, लेकिन अभी भी यह नाकाफ़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिविल सर्जन ने बताया कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी लोगों में डेवलप नहीं होगी तब तक कोरोना के खतरे से उबरा नहीं जा सकता है। ऐसे में इसका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र उपाय है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना का वैक्सीन लें। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर वैक्सीन को लेकर किसी भी असमंजस की स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के दो तरीके के वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं स्वास्थ्य महकमा के पास और ओपन मार्केट में भी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो 45 दिनों के अंतराल पर लेना है दूसरा डोज, और कोवैक्सीन जो है उसको 28 दिनों के अंतराल पर लेना है, और सभी जगहों पे यह दिया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि जो कोरोना के मामले हैं वो अभी अब नए सिरे से एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी डरने वाली पलामू के संदर्भ में डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब बीच के महीनों पर अगर हम गौर करें तो एक भी कोरोना के मरीज पलामू ज़िले में नहीं थे, लेकिन अब 15 एक्टिव केस पलामू में हैं और सभी सुरक्षित हैं, सभी का इलाज चल रहा है और कई लोग होम आइसोलेशन में भी हैं। लेकिन सिविल सर्जन ने बताया कि 3 लाख लोगों की जांच अब तक पलामू में की जा चुकी है, जिसमें RT-PCR के माध्यम से 1,30,000 जांच किए गए हैं और अन्य जो माध्यम है उससे अन्य जांच किए गए हैं। अभी तक 3650 पॉजिटिव केस आए थे, हालांकि सब लोग निगेटिव हो गए हैं। अभी मात्र 15 एक्टिव केस पलामू ज़िले में हैं, लेकिन यह खतरा बढ़े नहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़े नहीं, इसके लिए अभी भी जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। कैपिटल न्यूज़ भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोविड का जो वैक्सीन है उसे अनिवार्य रूप से लें। हमारे देश में बहुत स्थिति खराब होते जा रही है दिन पे दिन। 1 लाख केस से ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों का अंदेशा है कि अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो 10-15 दिन के भीतर हम लोग 2 लाख केसेस टच कर जाएंगे पर डे, और नया स्ट्रेन जो आ गया है, जो म्यूटेंट वेरिएंट आ रहा है, इसको लेकर के और ज़्यादा खतरा होने की संभावना है, क्योंकि ये स्ट्रेन जो है वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है कि इससे बीमारी जो होगी वो काफ़ी खतरनाक होगी। इसको मैनेज करने के लिए 2 प्रॉन्ग अटैक ज़रूरी है। पहला वैक्सीनेशन को लेकर के ज़रूरी है कि हम लोग हर आदमी को वैक्सीनेट करें, और दूसरा कि टेस्टिंग हम लोग बढ़िया से करें, और उसके अलावा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें।